राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार की रात 10:19 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा भूकंप के झटके उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में भी महसूस किए गए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। ऐसे में डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबेट्स की भविष्यवाणी की चर्चा होने लगी है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि चारों ओर फिलहाल भूकंप की ही चर्चा है। लेकिन इस बीच फ्रैंक होगरबेट्स की भी एक बार फिर से चर्चा होने लगी। फ्रैंक होगरबेट्स तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भी चर्चा में थे। इसका कारण ये था कि फ्रैंक होगरबेट्स ने तुर्की में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर भी भूकंप की भविष्यवाणी की थी, जो कि तुर्की की तरह सच साबित हुई। बीते महीने फरवरी में तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तब डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबेट्स ने घोषणा की थी कि अगली पंक्ति में एशियाई देश है। एक वीडियो में फ्रैंक होगरबेट्स को एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी करते हुए देखा गया था। होगरबेट्स ने कहा था कि एशियाई देश तुर्की जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेंगे। उनके मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और अंततः पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। फ्रैंक होगरबेट्स ने वीडियो में यह दावा किया था कि तुर्की के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में भी बड़ा भूकंप आ सकता है। फ्रैंक ने यह भी कहा था कि भूकंप हिंद महासागर क्षेत्र पर यानी भारत, पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान के आसपास के कई इलाकों में आ सकता है, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ।